कदवा प्रखंड अंतर्गत रिजवानपुर पंचायत के रतनपुर गांव की सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहां ग्रामीणों को थोड़ी ही बारिश में कीचड़ ही कीचड़ नजर आने लगता है। शायद यहां के लोगों को सड़क कब नसीब होगी उन्हें अभी तक पता नहीं। रतनपुर के समाज सेवी मोहम्मद सद्दाम ने बताया है कि हमारे इस गाँव में हमेशा सड़क की समस्या रही है और सड़क पर कीचड़ रहते हैं तो मजबूरन कब्रिस्तान होकर जाना पड़ता है। समस्या यह है कि यहाँ पर जो है रोड काफ़ी दिनों से नहीं बना है और आदमी को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इससे पहले शकील साहब को भी हम लोग बोले थे जो हम लोगों का रोड को बनाया जाए, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ के मुखिया जी भी कोई ध्यान नहीं दिए हैं और कब्रिस्तान ये रास्ता ख़राब होने के कारण से जो है लोगों को कब्रिस्तान होके गुजरना पड़ रहा है और चप्पल जूता गाड़ी जो भी है कब्रिस्तान होके फंसता है। और शकील साहब से मैंने बोला था कि कम से कम कब्रिस्तान को घिराव किया जाए, रोड नहीं बने कम से कम कब्रिस्तान घिराव किया जाए, क्योंकि लोगों के सीने के ऊपर से चल के जाना पड़ रहा है जो लोग मरे हुए हैं और काफ़ी दिक्कत का सामना पब्लिक को करना पड़ रहा है। और यहाँ के मुखिया जी से भी मैं कहूँगा कि कब्रिस्तान घिराव के लिए कम से कम ध्यान दिया। शकील साहब से भी कहूँगा और MP साहब से भी कहूँगा कम से कम इसको कब्रिस्तान को घिराव करे। और यहाँ पर जितने भी कब्रिस्तान हैं एक भी कब्रिस्तान का घिराव नहीं किया गया है और लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और हम लोगों को काफ़ी समस्या झेलना पड़ रहा है और कब्रिस्तान होकर जाना पड़ रहा है मजबूरन आदमी को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम। गांव रतनपुर।